हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक BLDC मोटर निकालेंगे एक हाइड्रिक्स में से। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये WD की एक हाइड्रिक्स है और फ्रेंड्स ये हाइड्रिक्स एक आईडी हाइड्रिक्स है, साटा नहीं है। एक साटा होती है, एक आईडी होती है। तो मैंने ये रिपेयरिंग शॉप पे से ली थी, मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप पे से। ईजिली मिल जाएगी आपको, कितना ख़राब हाइड्रिक्स वो लोग यूज़ में लेते हैं, वो आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको फटाफट मैं ओपन कर लेता हूँ, इसी के अंदर मिलेगी हमारी BLDC मोटर। तो फ्रेंड्स, ओपन कर लेता हूँ मैं जल्दी से स्क्रू खोल के। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमारी ओपन हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर ये हमारी BLDC मोटर जो फ्रेंड्स ये बीच में लगी है। तो फ्रेंड्स, इसे निकालने के लिए हम बाकी की जो पार्ट्स हैं इनको भी खोल लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैग्नेट रहती है, इसमें मैग्नेट से चिपकी रहती है, पावरफुल मैग्नेट रहती है, इसका भी हम यूज करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये मैग्नेट है, बहुत पावरफुल मैग्नेट है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। तो इनको भी हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, और इसे भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर स्क्रू दिया नहीं है उन्होंने, हम एक बार पीछे जो है इसका स्क्रू भी हो सकता है, क्योंकि आईडी हाइड्रिक्स है इसका थोड़ा सा अलग है, तो हम पीछे का एक बार खोल लेंगे फ्रेंड्स। वैसे भी खोलना ही पड़ेगा क्योंकि BLDC मोटर के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको हम निकाल लेंगे पीछे का पार्ट भी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमारी निकल गई है। और फ्रेंड्स, ये भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, ये है इसकी PCB पूरी, इसी से कंट्रोल होती है BLDC मोटर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके नीचे भी स्क्रू नहीं होगा क्योंकि ये अलग है, और जहाँ पर हमारा वो पार्ट्स लगा वहाँ स्क्रू है ही नहीं। तो ठीक है, हम इसे यहीं से देखते हैं किस तरीके से निकलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा स्क्रू उसमें दिया ही नहीं था, नॉर्मल लगा हुआ था ये। तो फ्रेंड्स, इसको हम खोल लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये चीज भी देख सकते हैं आप, और ये मैग्नेट लगी है। तो फ्रेंड्स, दो मैग्नेट निकली है इसमें से। और फ्रेंड्स, ये है हमारी BLDC मोटर। तो फ्रेंड्स, इसके भी स्क्रू हम खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों हमारी ये हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है, यही है वो। तो फ्रेंड्स, इसमें दो लगी हुई हैं, इसी में एक लगी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी निकल गई हैं। इसके बाद ये है हमारी BLDC मोटर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम निकाल लेंगे स्क्रू खोल के। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमारी निकल गई है BLDC मोटर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर चार पॉइंट दे के रखे हैं इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से, देख सकते हैं ये चार पॉइंट दिए हैं इन्होंने। और जो नॉर्मल BLDC मोटर होती है उसमें तीन पॉइंट रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये भी इतनी ही स्पीड से काम करती है जो नॉर्मल BLDC मोटर करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो BLDC मोटर है इसको हम चला के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, क्योंकि इसका कंट्रोलर का सर्किट की वीडियो में पहले मिलाऊंगा आपको, सर्किट बता के दिखाऊंगा किस तरीके से सर्किट बनेगा, इसके बाद आपको मैं इसको रन करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको BLDC मोटर निकाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।